अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसे कि आज एक छोटा सा ब्लॉग बनने वाला है, तो ब्लॉग क्या बनने वाला है? 31st पार्टी करेगा। हाँ, तो हम लोग कर रहे हैं 31st पार्टी। तो हम लोग 31st पार्टी कहाँ पर करने वाले हैं? है ना, तो हम लोग जाने वाले हैं ढाबे पे। आज मुझे ढाबे पे इनवाइट किए हैं किन्होंने? नवाब ढाबे पे। नवाब ढाबे के ओनर नवाब ढाबे, मतलब इनवाइट, उनका नाम मेरे को मालूम नहीं है। हाँ, तो उन्होंने मुझे, नवाब ढाबे के जो ओनर हैं, उन्होंने मुझे इनवाइट किए हैं। तो वहाँ पर आज हमारी फैमिली के साथ में हमारी 31st की पार्टी होने वाली है। तो अभी मैं हो रही हूँ रेडी, बराबर। तो मुझे रेडी करने के लिए कौन आए हैं? जो हमेशा मुझे रेडी करते हैं, गजाला। तो अभी आपको देखने मिलेगा कि गजाला मुझे कैसे लुक देगी, कैसा मेरा मेकअप करेंगे। जैसे कि एकदम सिंपल सा मुझे मेकअप चाहिए आज, बराबर गजाला जी। तो चलिए मेकअप भी स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ आप लोगों को भी मैं अपनी पार्टी में ज्वाइन करूंगी। और आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो, है ना। तो चलिए चलिए। देखिए अम्मी इधर रेडी हो चुकी है। मैं रेडी हो चुकी हूँ माशाल्लाह। अभी थोड़ा फोटोशूट चालू था, और थोड़ा रील्स में कैसी लग रही हो ये भी मुझे कमेंट में आप लोग जरूर बताइए। तो रिंग लाइक पीछे करो, और इधर में मेरा तो फोटोशूट चालू है। अब भी रील्स बना रहे थे, रील्स बना रही थी मैं थोड़ा, है ना। तो चलो नए साल में पड़ा हुआ है। तो चलिए, अभी हम लोग रेडी हो चुके हैं निकलने के लिए। और कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हूँ ना? अभी चप्पल मैंने निकाल के रख दी, ज्यादा हील वाली, तो पाँव में बहुत दर्द हो रहा है। तो अभी वहाँ पर जाके हम लोग आप लोगों को बताएंगे कि हम लोग क्या खाएंगे, किधर घूमेंगे, कैसा इंजॉय करेंगे, है ना आसिफ। हाँ। तो यहाँ पर मेरा बड़ा बेटा, मेरी बेटी दोनों भी आ चुके हैं। राज इधर आ। तो ये है मेरा बड़ा बेटा, ये आसिफ से भी बड़ा है, आसिफ से भी बहुत बड़ा है। बच्चे इतने लंबे लंबे है ना, हम लोग की हाइट कम है। मड्डो तो आप, मड्डो तो पूरी मेरे जैसी है, हाइट भी मेरे जैसी है। मड्डो, ये मड्डो, ये मेरी बेटी है ना। तो मैंने एक जगह को बोली, चलो तुम लोग भी मेरे साथ में, है ना, चलो एंजॉय करेंगे, धमाल मचाएंगे मचाएंगे। बहुत ही अच्छा इन्होंने डेकोरेशन किए थे। और उनका मतलब यहाँ पर हमें बैठने के लिए पूरा
मेरे लिए खास करके आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। उनका नाम क्या था जी, मैं भूल गई ना। हाँ, इधर के ओनर है वो। हाँ, ये कौन सा ढाबा? नवाब ढाबा। नवाब ढाबे पे मैं आई हूँ। नवाब ढाबे पे इन्होंने मेरे लिए बहुत अच्छा, मतलब मेरा वेलकम किए हैं निजाम जी ने। और मैं भी ये चाहूंगी आप लोगों से कि आप लोग भी ये ढाबे पे आइए, यहाँ का खाना टेस्ट कीजिए। माशाल्लाह यहाँ का खाना बहुत ही अच्छा है। क्या नाम? बहुत अच्छा है, नवाब ढाबा। नवाब ढाबा ढाबे में का नाम ही मैं भूल जाती हूँ। और ये देखिए, मगर हम लोग अंदर नहीं बैठ रहे हैं, हम लोग बैठ रहे हैं बाहर। बच्चे लोगों की फरमाई है क्या, बाहर बैठेंगे। अंदर बैठने के लिए बोल रहे कि एकदम घर जैसा लगेगा, अंदर नहीं बैठेंगे, बाहर बैठ के खाएंगे। तो चलिए हम सब बाहर बैठेंगे। तो यहाँ पे मैं फोटो शूट वगैरह ले लेती हूँ। तो यहाँ पर आप लोगों को जैसे कि फैमिली रूम भी है, जैसे कि आपकी जो फैमिली आती है, अगर आप बाहर ओपन में नहीं बैठना चाहते, अंदर फैमिली रूम में बैठना चाहते हैं, तो आपके लिए ऐसा फैमिली रूम भी है। ऐसे दस्तरखान का भी यहाँ पे बंदोबस्त किया गया है। तो देखिए, आपको ओपन भी है, दस्तर भी है, जैसा आपको चाहिए वैसा। और जैसे कि जेंट्स लोग के लिए अलग है, जेंट्स लोगों के लिए बैठने का जो है वो अलग है, फैमिली के लिए बैठने का अलग है, और दस्तर अलग है। इधर पे बहुत ही अच्छा है, बहुत ही, मैं पहले भी एक बार आ चुकी हूँ, अभी ये मैं दूसरी बार आ रही हूँ, है ना। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग इधर पे एक बार ढाबे पे जरूर विजिट कीजिए। अभी मैं यहाँ का खाना खाकर बताऊंगी। पहले भी मैंने खाई थी, बहुत अच्छा था, और अभी फिर से खा के भी मैं बोलूंगी अच्छा था करके मैं दूसरी बार आई हूँ। सही बात है ना। यहाँ का फ्राउन्स बहुत टेस्टी है ना फिर। तो चलिए अभी हम आराम से बैठते हैं थोड़ा, है ना। तो यहाँ पर अभी चना लहसुन आ चुका है, गर्मा गर्म मस्त एकदम। अभी हम खाएंगे, एंजॉय करेंगे, ये हमें सर्व कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? आलम। अगर आप कभी ये ढाबे पे आएंगे तो आलम को ही जरूर बोलना। तुम्हारा नाम क्या है? फरमान। मैं मेरा जरूर फरमान जी। हाँ, इधर आएंगे तो इनसे ही मिलना। फरमान से, फरमान आपको हर एक वैरायटी यहाँ पे खिलाएंगे, है ना, टेस्ट कराएंगे ना। राइस पापड़ नहीं है, राइस पापड़ नहीं है। क्या बोले, क्या आ गया? एक 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 या फिर एक साथ ला के रख देंगे? नहीं नहीं, एक एक करके रखना है उसका। हाँ हाँ हाँ, वैसा ही वैसा ही। तो ये क्या है, मसाला पापड़। तो ये अभी आ चुका है चना लहसुन। ये पापड़, ये सब, ये देखिए। हाँ, ये एक्स्ट्रा लहसुन है। सब खा रहे, एंजॉय कर रहे हैं ना। मैं एंजॉय, बहुत टेस्टी है मसाला पापड़। तो चलिए, हम लोग यहाँ पर कैसे ना खा पी रहे भी थे और अच्छे खासा एंजॉय भी कर रहे थे। यहाँ पे जो है ना, बच्चे लोगों को खेलने के लिए सारे, मतलब गेम वगैरह बहुत कुछ है यहाँ पे, है ना। हाँ। आप फुल एंजॉय कर सकते हैं ना। ऐसे बैडमिंटन भी था ना। हाँ, बैडमिंटन भी था वो खेलने का। तो इधर पे बहुत ही बेस्ट है, फैमिली के लिए तो एक नंबर है ना सिर्फ। हाँ। तो ये देखिए, हम लोग काफी एंजॉय कर रहे थे, थोड़े बच्चे लोग जैसे कि मेरा आसिफ, राज, मड्डू, अशरफ, सब एंजॉय कर रहे थे। और हम लोग वहाँ पे, मैं और तुम्हारे भाई, है ना, आराम से झूले में बैठ के झूला झूल रहे थे, है ना। मजा आ रही थी ना लाला, बहुत मजा आ रही थी। तो ये देखिए, अब ये आसिफ दे रहा है बंदूक से एक फिल्टर शॉट, दिखाओ। ये देखिए ना, मस्त मस्त, बहुत बेहतरीन।
तो जैसे कि ये देखिए, ये है नवाब ढाबा। माशाल्लाह लाइटिंग तो बहुत ही बेहतरीन थी, एकदम चकाचौन लग रहा था यहाँ पर। तो यहाँ पर कुछ एंटिक सामान मिलते हैं, है ना, जैसे कि बंदूक हो गई, जैसे कि आपको अपने घर पे सजाने के शो में रखने के लिए कुछ एंटिक सामान चाहिए तो आप ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ से जो है ना कुछ बंगरी ली है ना, सिर्फ कुछ वो इसकी ना कह के बोलते है तो इसकी थी लकड़ी की बंगरी, वो जैसे कि कुर्तीस वगैरह पे पहनने के लिए बहुत अच्छी लगती है। और ये देखिए सब एंटिक सामान है आपको यहाँ पे, रियाल वगैरह भी रखी हुई है, ये भी आपको मिलेगी, एकदम लकड़ी की है। और ये देखिए ये शॉप है, तो आप लोग इधर पे ज़रूर आना, इधर एक बार विज़िट ज़रूर करना। तो ये देखिए दिल्ली दरबार ढाबा काफ़ी बड़ा है, और इन्होंने पहले से कुछ इसमें चेंज भी किए हैं ना, जैसे कि फैमिली रूम अलग है और आपका कस्तूरी ड्राई। क्या है? कस्तूरी ड्राई, चिकन कस्तूरी ड्राई, चिकन कस्तूरी ड्राई। अरे सेकंड है आपका चिकन बुलेट, चिकन बुलेट बुलेट। और ये क्या है? ये आपका तीसरा है रेड प्लेट, रेड प्लेट, रेड प्लेट। ये प्लेट तो रेड नहीं है। ये चौथा आपका जायका ड्राई, जायका ड्राई। अच्छा तो ये चार अलम सर्व कर दो। तो चलिए अभी मैं आपको एक एक स्टार्टर टेस्ट करके बताती हूँ। एक नंबर मस्त है, बात करते जा, एकदम झकास, एकदम फाऊ, खतरनाक, खलास 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 खलास, आग लगा दी, लजीज बेहद लजीज। ये नवाबी स्पेशल कबाब, नवाबी स्पेशल कबाब। ये चिकन भर्रा कबाब, चिकन भर्रा कबाब। ये बेटा इसको हां करवा दो, ये बेटा इसको सर्व करो। वीडियो निकालने जा रही थी, इधर से स्टार्टर आ गया था, इसके रुक गई अभी। हां निकाल सब में, थोड़ा थोड़ा खाएंगे, खाएंगे सब में निकाल, एक प्लेट में ही खाओ। वीडियो बना रही थी, निकाल निकाल से तैयार। बस बस ज्यादा गाना नहीं गाना, तो फिर कॉपीराइट लगता है। अच्छा कॉपीराइट लगता है, तू दिखा ना, क्या तेरे को दिखा ना। बात तो करो, अभी फोटो खींच देना, ऐसा करो ना, ऐसे ऐसे कर दो। अच्छा मेरा जैसा है, मेरे को देख समझ जाना, तो अपने आप को देख रहा है, वो बहू मेरे जैसा है, वो बहू। तो अभी ये नवाबी कबाब, नवाबी कबाब दरगाह स्पेशल। तो ये है हमने कुछ प्राउन, ये सी फूड में बोले थे तो ने सी फूड में लेके आई ये प्राउन। कौन सा? ये तवा प्राउन, तवा प्राउन से। और ये पहले भी मैंने खाई हुई इधर का, ये बहुत ही टेस्टी लगता है तवा प्राउन। अभी मैं टेस्ट कर रही हूँ। एकदम सॉफ्ट है, एकदम टेस्टी और एकदम फ्रेश है, प्राउन से एकदम फ्रेश है। चलिए अभी मेन कोर्स आएगा तो हम आपको बताते। अरे वो लंबा चले गया, हो गया 8 9 10। अबे बस बोलो पहले इसकी माला बच गए, हां हो गए बच गए। नहीं 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 11 में
बच गए। हेलो हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। हैप्पी न्यू ईयर। तू भी जा सकता है क्यों? हैप्पी न्यू ईयर। भाई सालन का क्या नाम है? मटन हंडी। और ये बटर नान। चलो सर्व कर दो। चालू है अम्मी का फोटो शूट। सब मम्मी जाके मिल रही है मीटअप। यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। अभी वो कितना टाइम तक बैठा है राज भाई? गिर रहे नहीं है? चलो सर। अरे वो ऐसा घुमा ही नहीं रहा है। ऐसा देखो घुमा ये देखिए। ये आलम सब नाम ले गया है क्या? आलम है। चलो अम्मी अभी आया है हमारा सालन। तो सालन में ये है मटन हंडी। मटन हंडी मैंने मंगाई। अम्मी रोटी नहीं खा रहे। रोटी नहीं खा रही, मुझे राइस चाहिए। अभी यहाँ पे एक हादसा हो गया। अभी बच्ची घुमा दी है, मैं तो फोटो निकालने के चक्कर में। बच्चे रो रही है, बोल रही मेरी मम्मी आए थे इधर ही फोटो निकाल तुम लोग के साथ। सामने ही खड़े उधर, सामने ही खड़े। रात को हट्टी लो लगो कर रहा। बच्ची को लेके जाती थी घर पे जाओ। हाँ मारो तो पूछो घर। मारा भी कोई भी तो ऐसी जगह आप तो जा पाए घर पे। तो ये कैसा है मटन हंडी का टेस्ट? मस्त मस्त, एकदम घर जैसा लग रहा है। ले ले बेटा। टेबल टेबल पे खाना खाने जमता नहीं। आगे कर दो ना। अभी मीठे में क्या दे रहे? डबल क्रीम है, मलाई मटर अपनी डबल क्रीम है। हां बहुत अच्छा लगेगा। चलो टेबल क्लियर कर लो। टेबल साफ कर रहा है। तो अभी हमारा सब स्टार्टर मेन कोर्स वगैरह खा के हो चुका है। अभी नींबू पानी हुआ है। अभी इधर राज भाई ने हाथ धो लिए फिंगर बॉल में। ठीक है अम्मी। तो अभी हमारा खा के हो चुका है। अभी कुछ मीठा खाने वाले हैं। तो फिंगर बॉल आ चुका है। तो ये अभी मीठे में आ चुका है सीताफल क्रीम। और ये मटका रबड़ी। तो अभी देखो मम्मी आ चुके हैं। मम्मी का थोड़ा फोटो सेशन चालू था। तो मम्मी का फोटो सेशन चालू था। अभी सब फोटो वगैरह खींच के गए, हैप्पी न्यू ईयर विश करके गए। तो अभी मीठा आ चुका है कुछ, तो टेस्ट करके बताओ कैसा है। प्लास्टिक का चम्मच है। हाँ चम्मच में नहीं आता। आ मस्त। कैसा है? मस्त है। अब मटका रबड़ी। मटका रबड़ी जो है ना ये यहाँ की फेमस रेसिपी है। फेमस है। हाँ नवाब ढाबे की फेमस, हाँ, फेमस मटका रबड़ी है। बहुत ही अच्छी है। आप लोग जरूर आइए नवाब ढाबे पे। बहुत ही बेस्ट और अच्छा खाना मिलता है यहाँ का। मुझे बहुत पसंद आया। तो हमें लो। अरे मेरे को नहीं बच्चे लोग। अरे तभी मेरे चालू नहीं था। अरे यार मेरे को डर लगता है। नहीं डर लगता है। आ मस्त। लो अच्छा ले। आला आला अपना फ्रंट कैमरा ना उतारियो। जाओ भाई। अरे मजा नहीं आ रहा है।
सच्ची बोलती बना रहे क्या है चिली गावा चिल्ली स्पाइसी गावा स्पाइसी गावा अभी क्या क्या डाले आपने अभी क्रश डालो तो चलिए इधर पे एक बहुत ही बेहतरीन सी इन्होंने एक्सिम बनाई थी कुछ चिल्ली गावा गावा एक्सिम बनाई थी उन्होंने बहुत ही टेस्टी थी खाने में बहुत अच्छी लग रही थी और इनका भी एक यूट्यूब चैनल है फूडी व्लॉगर के नाम से तो आप लोग इन्हें सब्सक्राइब करना और ये बहुत टेस्टी था अच्छा कौन सी है आपका नाम क्या है अमजद अमजद जी ने ये क्या ना क्या है कौन सा ये स्पाइसी गावा तो चलिए हम लोग तो आ चुके थे घर पे और हम लोगों को आते आते ही समझो 3 से 4 बज गए थे ना आसिफ हाँ। और आके फिर हम लोग वैसे कपड़े वगैरह चेंज किए उसके बाद में सोए तक ही हम लोग को 6 बज गए सुबह के तो अभी हम लोग दोपहर में 1 बजे उठे हैं बहुत इंजॉय किए बहुत मजा आया हमें और अभी हम लोग ब्लॉग को खत्म कर रहे हैं यहाँ पे हमारा ब्लॉग एंड होता है और ब्लॉग एंड होने से पहले बात कहना चाहती हूँ पूरे ब्लॉग में मेरा आसिफ नहीं आया कहीं भी आया हो थोड़ी थोड़ी जगह थोड़ी जगह आया हाँ। और मेरे लाला भी बैठे हैं मेरे बाजू में है ना हम लोग सब बैठे हैं आराम से तो चलिए अल्लाह हाफिज दुआ में याद रखना और इस तरह की अच्छी अच्छी ब्लॉग के वीडियो देखने के लिए और अच्छी अच्छी रेसिपी की वीडियो देखने के लिए मेरे दोनों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप लोग वो ढाबे पे जरूर जाइए कौन सा ढाबा नवाब ढाबे पे नवाब ढाबे पे आप जरूर जाइए वहाँ का खाना बहुत ही बेस्ट है और हमें बहुत अच्छा लगा अल्लाह हाफिज और नया साल आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो आने वाला ये साल पूरा आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छा जाए है ना आमीन, आमीन। और ये पहले साल का फर्स्ट ब्लॉग है मेरा है ना आसिफ चलो अल्लाह हाफिज लाला बाय बाय करो नया साल बहुत बहुत मुबारक हो आप सबको अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज